हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेशन बाय पीके मेहता में। और आज की इस वीडियो जो है बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति के कुछ ऐसे प्रश्न कराने वाले हैं जो कि दिखने में बहुत ही सिंपल और आसान लगते हैं, लेकिन करने में आपको पसीने छूट जाते हैं। जैसे कि मेरा पहला प्रश्न है, आप देख पा रहे हैं ये जो प्रश्न आपका RRB NTPC में पूछा गया प्रश्न है, सेम प्रश्न पूछा गया 2019 का पूछा गया प्रश्न है। देखिएगा यहाँ पे क्या आपका विषम संख्याओं का स्क्वायर दिया हुआ, 1 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर, कहाँ तक आपका 13 तक का स्क्वायर है। इसके पहले बात करते हम लोग सूत्र से, फॉर्मूले से। इसका फॉर्मूला होता हम लोग का n (n+1) फिर इंटू में होता हम लोग क्या n+2 और बटे में होता हम लोग का 6। यहाँ पे जो आपका n होता हम लोग का अंतिम संख्या होता है, तो 13 अंतिम संख्या कितना हम लोग का 13 है, तो 13 × 13+1 कितने होते हैं 14, गुने 13+2 कितने होते हम लोग का 15, बटे में होता है 6, तो 6 कर देंगे। ठीक है, 6 गए तो 2 से कट करेंगे, 3 से 3 × 6, 3 से कटेगा 3 × 15, 2 से कट करेंगे 2 × 1 = 2, 2 × 7 = 14, गुना करेंगे 7 × 5 = 35, 35 × 3 = 105, 105 तो लिखेंगे कितना हम लोग 105 का हो जाएगा 5, करीब छः का 10। अब 35 से कम 35 और 10 कितने होते हैं 45, 455। ठीक है, अगर गुना सही है तो आंसर सही होगा, 63 होता है 91, 63 होता है 91, 5 × 5 = 45। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रिक, इसको शॉर्ट ट्रिक से कैसे करेंगे अगर फॉर्मूला पता नहीं है तो। करना कि आपको लिखेंगे यहाँ पे लास्ट गुने लास्ट + 1, फिर गुने करना आपको क्या लास्ट + 2, अब बटे में करना है आपको 6। लास्ट का मतलब था जो अंतिम संख्या होता है, 13 × 13+1 × 13+2 × 6 आपका आंसर निकल जाएगा। बात करते हैं हम दूसरा प्रश्न, ये भी प्रश्न क्या हम लोग उसी प्रकार का प्रश्न है, यहाँ से पूछ रहा आपको कहाँ से 33 तक का पूछ रहा है, तो क्या करेंगे हम लोग, पहले करेंगे 33 n × (n+1) यानी कि लास्ट + 1 करेंगे, तो 33 में 1 करेंगे कितना होगा 31+, फिर यहाँ पर करेंगे 32, एक बार एक जोड़ने एक बार दो जोड़ने आपको गुने में कर देना, सॉरी यहाँ पे गुने हो जाएगा। ठीक है, गुना करना आपको, अब बटे में कितना करना 6, हमेशा 6 से भाग करना आपको, तो कट करेंगे हम लोग कितना हुआ 3 से कट करेंगे, 3 × 6 होता है, और 11 में कटेगा 11 × 3 = 33, 2 से कट करेंगे हो जाएगा 16, गुना करेंगे हम लोग तो पहले गुना करते हम लोग किसे 16 से, 16 × 1 = 16, यहाँ से बचेगा कितना 1 बचेगा, 16 × 3 होता है 48, 48 में जोड़ेंगे कितना 49, आपका बचा हुआ कितना अभी 11, तो गुना करेंगे फिर 11 से, तो करेंगे 11 × 6 होता है कितना 66, 6 लिखेंगे करीब बचेगा कितना हमारा 6 बचेगा, 11 होता 99 में अगर 6 जोड़ेंगे कितना होगा 105, जो कि 5 होगा हम लोग का, तो करीब क्या बचेगा हमारा 10 बचेगा, 11 × 4 होता है 44, 44 में 10 जोड़ेंगे कितना होगा 54, यानी कि 1 से लेकर 33 तक सभी विषम संख्याओं का स्क्वायरों का योग क्या होगा हम लोग का 5456, यही क्या होगा आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न, ये जो प्रश्न है आप देखिएगा ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये आपका SSC MTS 2019 का पूछा गया प्रश्न है, सेम प्रश्न है आपका। करना कि आपको प्रश्न में देखिएगा, प्रश्न है cos x + cos²x है ना बराबर दिया हुआ 1, तो पूछ रहा है sin²x + sin²⁴ है यहाँ पे, और x का मान क्या होगा, प्रश्न में आ गया। हम पहले सॉल्व करेंगे इससे LHS से ही बात करेंगे, यहाँ पे दिया हुआ cos x + cos²x = 1 दिया हुआ, अगर हम यहाँ से कोस एक्स के मान निकालते हैं, कोस एक्स के मान फाइंड करते हैं हम लोग, तो क्या होगा, एक तो ऑलरेडी हम लोग का एक माइनस से कितना हम लोग का cos²x हो जाएगा, होगा ना, ये आपका प्लस में था इधर गया तो माइनस हो गया, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है।
चलिए अब करते हैं हम लोग क्या, दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं मान लीजिए। तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, कोस एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या होगा, कोस एक्स स्क्वायर एक्स हो जाएगा, कोस स्क्वायर एक्स बराबर करेंगे तो क्या होगा हम लोग का, वन माइनस तो ऑलरेडी ही है हम लोग का है ना, वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है हम लोग का, साइन थीटा होता है। यहाँ एक्स को मानिए क्या थीटा, फॉर्मूला होता है वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन थीटा, इसकी जगह हम लिखेंगे क्या साइन, एक से तो एक से देंगे यहाँ पे। अब दोनों तरफ ने स्क्वायर करने बोला तो यहाँ भी स्क्वायर करेंगे तो यहाँ भी क्या होगा हम लोग का, स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर तो स्क्वायर होता है, सॉरी वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। हमने बोला दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो यहाँ भी स्क्वायर करना पड़ेगा हमको, जब यहाँ पे करेंगे तो यहाँ भी स्क्वायर होगा हम लोग का, होगा ना। अब कोस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं हम लोग, कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता हम लोग का जानते हैं वन माइनस का होता हम लोग क्या, साइन स्क्वायर थीटा यानी कि एक्स हो जाएगा, इतना बराबर ये होता है बराबर साइन स्क्वायर पहले से है, ये स्क्वायर से स्क्वायर क्या हुआ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी क्या हुआ हमें पे साइन टू डी पावर फोर इंटू एक्स हो जाएगा, क्लियर है। चलिए ये क्या आपका माइनस में दे जाएगा तो क्या होगा प्लस में हो जाएगा, यानी एक जो यहाँ पे छोड़ देंगे बराबर में, पहले से क्या हम लोग का साइन टू डी पावर फोर इंटू एक्स है, माइनस था तो प्लस हो जाएगा हमारा, तो साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब चलिए प्रश्न में, प्रश्न क्या कह रहा था हम लोग का, साइन स्क्वायर एक्स प्लस का साइन टू डी पावर फोर एक्स का वैल्यू क्या होगा। देखिए यहाँ पे साइन टू डी पावर फोर एक्स है और प्लस में साइन टू डी पावर टू एक्स है, इसका वैल्यू क्या निकल गया हम लोग का, वन निकल गया, क्लियर है। ये पूरा का पूरा सूत्र पे आधारित प्रश्न था, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा हम लोग का, एक हो जाएगा, क्लियर है। चलिए देखते हैं हम अगला प्रश्न, देखिएगा ये जो प्रश्न है आपका दिखने में बहुत ही सिंपल लग रहा है, रूट अंडर 0.4 का वर्गमूल क्या होगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे 0.2 मारते हैं आंसर इसका, लेकिन क्या हमारा होगा, बिल्कुल हमारा आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अगर 0.2 को रूट का अंदर क्या होता है, अगर बात करते हैं सिंपली रूट अंडर 4 का वैल्यू क्या होगा, तो आप बोले रूट अंडर 4 का वैल्यू होता है कितना आपका 2। चेक कैसे करते हैं हम लोग, 2 करते हैं स्क्वायर, यानी कि 2 गुने में 2 करेंगे 4 होना चाहिए, तो क्या हम लोग का 0.2 गुना करेंगे 0.2 क्या हमारा 0.4 होगा, नहीं होगा। सो गुना करने के बाद 0.04 हमारा आंसर आएगा, नहीं हो पाएगा। 0.02 करेंगे तब भी हमारा नहीं होगा, तो आंसर होगा क्या। तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने का एक सिंपल एक मादर ट्रिक क्या होता है, ध्यान देंगे क्या दिया वहाँ पे, रूट के अंदर 0.4 दिया है ना, इसको आप दो अंक बनाइए, यानी दशमलव के बस को दो अंक बनाना ही लिखने है, तो एक अपने मन से जीरो डाल दीजिए, कितना हो गया 40। अब थोड़ा देर के लिए आप लोग इस पॉइंट को छोड़ दीजिए, भूल जाइए, यानी कि रूट के अंदर क्या है 40 है आपका, इसके छोटा इससे कम देखिए कौन ऐसा संख्या है नंबर है जिसका पूर्ण वर्गमूल आपको पता है, तो बोलेंगे 6। क्या 6, जिसका वर्ग की बात करेंगे तो 6 का वर्ग कितना होता होगा 36 होता है ना, 36, यानी कि 40 का वर्गमूल क्या होगा हम लोग का 6.6 समथिंग कुछ आएगा, यानी कि आएगा ना, लेकिन यहाँ पे दशमलव ऑलरेडी पड़ा हुआ है, यानी दशमलव यहाँ पे आपका शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे क्या हुआ 6.3 आएगा हम लोग का, यही क्या होगा आपका परफेक्ट आंसर। 0.0 यहाँ पे सुंदर रहने के देते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो 0.4 का जो वर्गमूल निकलेगा हम लोग कितना निकलेगा 0.63, यही आपका क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा, इन तीनों ऑप्शन में से कोई नहीं होगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चे जो है ये सब गलतियाँ कर बैठते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।